है, थर्मिस्टर कुछ नहीं है, हीट सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होती है टेम्परेचर चेंज होने से। तो मतलब मान लो आपने एसी बनाया, एसी के ऊपर डिजिटल मीटर लगा हुआ है कि रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, 19 है, 20 है, 30 है, कितना है। तो आपने देखा होगा रूम का टेम्परेचर गिरता है तो वो डिजिटल मीटर रीड कर लेता है कि रूम का टेम्परेचर गिर गया, गाड़ियों का टेम्परेचर भी गिर जाता है तो बता देता है इतना टेम्परेचर है। तो अंदर ना एक थर्मिस्टर टाइप एलिमेंट लगा हुआ है। होता क्या है, थर्मिस्टर एक सेंसिटिव डिवाइस है, जैसे टेम्परेचर गिरा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस गिर गई, रेजिस्टेंस गिरी इलेक्ट्रिकल सर्किट का करंट बढ़ गया, उसको पता लग गया कि कहीं करंट करंट की वैल्यू से वो निकाल लेता है कि कितना टेम्परेचर गिरा। तो फिर वो मशीन का काम है वो कैसे निकालता है। पर क्योंकि अगर ये हीट सेंसिटिव ऐसी सेंसिटिव डिवाइस नहीं होगी, मान लो रूम का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया, थर्मिस्टर को पता ही लगा तो मीटर खराब रीडिंग देगा, आपको ठंड लगेगी लेकिन लेकिन दिखा रहा होगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको सेंसिटिव होना जरूरी है, उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। कंपनीज में लगे होते हैं जहाँ बॉयलर्स हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, बॉयलर्स फट गए तो जहाँ स्टीम बनती है बड़े बड़े बॉयलर्स में यह चीज़ उबलती है, तो क्या होता है थर्मिस्टर लगा होता है। टेम्परेचर बहुत जब क्रिटिकल वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस क्रिटिकल से इंक्रीज होती है, करंट गिर जाता है सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने आप ऑफ कर देगा बॉयलर को, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक है, अपने आप कट कर देगा क्योंकि करंट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से नीचे गिर जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम बढ़ जाती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ आपका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस का काफ़ी लेना देना है वहाँ थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नहीं आता वो अलग बात है इस पर।